होलिका दहन। लेकिन एक बात मुझे खलती है कि बिजली के वैसे तारों के नीचे जो कवर्ड हैं और जिंदा पेड़ों के नीचे बहुत नज़दीक इस तरह के शोले उन्हें क्षति पहुंचा सकते हैं। इसे थोड़ा दूरी बनाकर रखा जाता ज़्यादा अच्छा होता। ऐसी बातों का ध्यान देना चाहिए। ये सवा 11 बजे का समय है। पटना के अनेक चौराहों अभिता दहन या होलिका दहन इसी तरह मनाया जा रहा है। मैं अपने देश के भाइयों को होली की शुभकामना अर्पित करता हूँ। यह राजवंशी नगर चौड़ाहा है। यहाँ तैयारियाँ की जा रही हैं, लोग जमा हो रहे हैं। ये भारतीय परंपरा है। हम अपने अपने तौर पर अपने त्योहारों को मनाते हैं। पाटलिपुत्रा गोलंबर का नज़ारा, भीड़ देखें। विकराल रूप यही है भारतीय संस्कृति। हर सड़क हर नुक्कड़ पर आपको इस तरह के दृश्य मिलेंगे। ये अनिसाबाद एरिया का मेन रोड है। ये निसाबाद मोड़ है। राजभवन के निकट ये जिंदा पेड़ के नज़दीक